أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। कल कुरान मजीद की एक आयत में भूल गया था, तो वो अब मुझे याद आई है कि अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि सारी मखलूक जितनी भी ज़मीन व आसमान में है, बूटी हैं, दरख्त, सब अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस इबादत को जानते हैं। वो इबादत क्या है जी? वो इबादत है हमारी खिदमत करना, क्योंकि दे आर डिपेंड ऑन अस। ये हमारे ऊपर है। हम अगर किसी पौधे को पानी लगाएंगे तो फले फूलेगा, या किसी दरख्त को पानी लगाएंगे तो बड़ा होगा। अगर हम उसको पानी नहीं लगाएंगे, एहतजाज नहीं करेगा, सूख जाएगा, जल जाएगा, कट जाएगा आपके लिए, क्योंकि तो अल्लाह ने उसको यही हुक्म दिया। ये उनकी तस्बीह। तो हमें जो हमारे अराउंड चीज़ें हैं उसकी हिफाजत करनी चाहिए। साइंस बोलती है कि अब तो हर शहर में जान है, एहतजाज करते हैं, दर्द होता है उन्हें, और ये तो गूंगे बह रहे हैं हमारे लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको हमारे लिए रखा है। छाँव देते हैं, फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और हम उल्टा क्या देते हैं? काट देते हैं, और वो जल जाते हैं खुदा के लिए। कि ना तो कभी उन्होंने खुदा से शिकवा किया, और ना ही उस बंदे से, उन बंदों से जो जिनके लिए वो खिदमत कर रहे हैं। यही हाल मैसेंजरों का होता है, जो बड़े बड़े लोग आए, जो अल्लाह के दीन लेके, या जो साइंसदान लोग ख़ास कर, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और मैं करके देख रहा हूँ, ये आसान काम नहीं है। इसलिए तो वो सारा कुछ बार दफ़ा भूल जाते हैं, शेव करना भूल जाते हैं, बाल बनाना भूल जाते हैं। देखा नहीं उनकी क्या वो काम के पीछे ही लगे रहते थे। अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।